और अब बात वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न रंगों की चीज़ों को सही दिशा में रखने के बारे में, किस रंग की वस्तु को किस दिशा में रखना चाहिए और उनका क्या प्रभाव होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे पहले बात करेंगे पीले रंग की चीज़ों के बारे में। पीले रंग की चीज़ों में हर वो चीज़ आ जाती है जो घर में उपयोग में आती है, चाहे वो घर में रखी सब्जी भाजी हो या फिर पीली दाल, कोई पेंटिंग हो या गुलदस्ता, सभी चीज़ें जो पीले रंग की हैं उन्हें घर के दक्षिण पश्चिम कोने, मध्य या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पीले रंग की चीज़ों को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गृहस्वामी को पेट संबंधी तकलीफों से छुटकारा मिलता है, लीवर का संचालन अच्छा रहता है, पाचन क्रिया अच्छे से होती है। लिहाजा पीले रंग से संबंधित चीज़ों को नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से बेहतर परिणाम हासिल होते हैं। वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा पीले रंग की चीज़ों को घर के अंदर सही दिशा में रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।